बात याद रखिएगा कि सुहासी को इस घर के बाहर कदम मत रखने दीजिएगा। हार नहीं मानूंगी मैं, सुहासी को बाहर निकाल कर ही रहूंगी। दिव्या तू चिंता मत कर, तेरी चाची आ गई है। इन बच्चों को मत मारो, इनको तो छोड़ दो। इन बच्चों को मैं छोड़ूंगी, पर पहले मुझे इस घर में अपनी जगह बनाने दो। इस घर में से हनुमान की मूर्ति निकालो। संकेत, वो मूर्ति वहाँ नहीं है क्योंकि तुम्हारी पत्नी उसे बाहर रहने नहीं देना चाहती। मेरा हाथ तो जाके पहले निकल जा मेरे घर से। तो ठीक है संकेत, आज मैं अपनी बात सबके सामने साबित करके दिखाऊंगा। थोड़ी देर में तुम्हारे घर भगवान की आरती होगी, तुम बस इतना करना, ये आरती आज तुम अपनी बीवी से करवाना। चलो आज तुम्हें आरती करनी होगी और साबित करना होगा कि वो घटिया इंसान झूठ बोल रहा है। चलो नहीं करनी है आरती। ये तुम्हारी आवाज नहीं है। सही कह रहा है तू, मैं सही कहा मैं। सविता ऐसा क्या बिगाड़ा हमने उसका? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अच्छे बर्ताव का ये मतलब निकालेगी वो, फिर हद तक चली जाएगी वो। शेखर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शेखर जी कुछ भी करके स्वास्थ्य को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे प्लीज। ये जरूर मुश्किल होगा। बचाए।
सविता का मानना है कि संकेत केवल उसी का है। वो जो कह रही है वो करके दिखाएंगे, और इस सबका जिम्मेदार इसी घर का कोई सदस्य है। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे घर का कोई सदस्य? हाँ बेटे, सविता का इसी घर घर के किसी सदस्य से नाता है। उसका मानना है कि इसी परिवार के किसी सदस्य ने उसे वादा किया है। संकेत, पंडित जी सही कह रहे हैं। जिस कमरे में सविता ने आत्महत्या की थी वहां से मुझे सुहासी की फोटो मिली, शादी से पहले वाली। इससे साबित हो जाता है कि सविता का इस घर से कोई रिश्ता जरूर था। और फिर अनुष्ठान के दौरान सविता ने यह भी कहा था कि इस घर से उसे कोई वादा मिला है, और इसीलिए मरने के बाद भी वो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। हमारे घर का कोई सदस्य सविता से कोई वादा क्यों करेगा? हमारे घर में से तो किसी का से कोई रिश्ता भी नहीं था। वो तो कभी यहां आई भी नहीं थी, वो तो केवल काम करने वाली बाई थी। तो हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? कौन कर सकता है उसे वादा? वो शख्स कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि इस वक्त वो इसी कमरे में हमारे बीच हो और वो नहीं चाहता हो कि उसकी पहचान सामने आए। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, या फिर आप ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हम जानना चाहते हैं बेटे, कि आखिर वो कौन है और सविता से क्या वादा किया गया और क्यों किया गया। सुहासी को बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, और उसमें उस शख्स की अहम भूमिका होगी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बेटे, यह पवित्र विभूति सुहासी के माथे पर लगानी होगी, और ये 5 नींबू सुहासी के बिस्तर के नीचे रखने होंगे। क्या ये करने से सविता हमेशा के लिए चली जाएगी? नहीं, हमेशा से हमारी कोशिश ये रही है कि सविता सुहासी का शरीर छोड़ दे या फिर दोबारा उसके शरीर में प्रवेश ना करे, लेकिन इस बार ये नींबू और ये भस्म सविता को सुहासी के शरीर में रोकने के लिए है। आप क्या कह रहे पंडित जी? हम चाहते कि सविता सुहासी को हमेशा के लिए छोड़ दे, और आप सविता को रोकने की बात कर रहे हैं? हाँ बेटे, क्योंकि इस बार अगर सविता ने सुहासी का शरीर छोड़ा तो उसकी आत्मा को लेकर ही जाएगी, और आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। ये विधि इसी परिवार के उस सदस्य को करनी होगी जिसने सविता को वादा किया था। उस सदस्य को हर एक नींबू रखने से पहले 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, फिर हर नींबू पर मौली बांधकर उसे कहना होगा कि सविता, जो वादा मैंने तुमसे किया था वो वादा मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद 5 नींबू को उसके बिस्तर के नीचे रखना होगा, फिर ये पवित्र विभूति उसके शरीर पर लगानी होगी, अपने सारे कमरे में फूंकनी होगी। याद रहे, ये सारी विधि सुबह के 4 बजे से पहले होनी चाहिए। मैं नहीं जानना चाहता, मैं नहीं जानना चाहता कि सविता से वादा किसने किया था, पर मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं, मेरी सुहासी और मेरे होने वाले बच्चे को बचा लीजिए। जो पंडित जी कहते हैं वो कीजिए, पर सुहासी को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे होने वाले बच्चे को।
नहीं छोड़ूंगी मैं, ना उसको ना इसके बच्चे को, मार दूंगी मैं दोनों को। मेरे पास आ, संकेत मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संकेत संकेत में बहुत बुरी हूँ ना, बहुत तकलीफ दी है ना मैंने आपको। तुम बुरी नहीं हो, बहुत अच्छी हो तुम, तुमने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, मुझे परेशान नहीं किया तुमने। तो मेरे पास आओ ना संकेत, कहो कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। संकेत बोलो संकेत। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। सुहासी सुहासी नहीं नहीं करता हूं। मैं सिर्फ स्वाति से प्यार करता हूँ। स्वाति में ऐसा क्या है, प्यार मैंने तुझे दिया है, प्यार दिखाया तुझे जिंदगी का वो मैंने तुझे दिया है, स्वाति ने नहीं। सदस्य से जो हमें उम्मीद थी वो भी हो गया, मैं जल्दी पहुंचता हूं। पंडित जी ठीक कह रहे थे, जिस सदस्य को विधि करनी थी वो कर चुका है। सुहासी अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रभु का धन्यवाद है कि विधि पूर्ण करके उस सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की।
नहीं जानता कि वो कौन है। बस सुहासी की जान बचाने के बाद मैं उस शख्स को धन्यवाद करना चाहूंगा। शेखर आओ चलकर सुहासी की हालत देखें। चलिए। परेशान क्यों लग रहे हैं? हमसे जो बन सका हमने किया, लेकिन बेटे इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। हमें माफ करें सुहासी, हमें छोड़कर जा चुकी है। संकेत, विधि पाखंड नहीं थी, उसने ठीक से किया नहीं क्या है, और इसीलिए अंदर सुहासी नहीं बल्कि उसकी लाश पड़ी है। कैसे कह सकते हैं आप? किसी ने उस विधि को छू लिया हो या फिर वहां से उठा लिया है। अभी ये बताइए क्या दिव्या उस रूम में गई थी? उसने शायद कुछ नहीं। शेखर जी, दिव्या को तो मैं कल आई के यहाँ छोड़ आई थी। इसका तो यह है जिसने विधि की उसने ठीक से नहीं की, कुछ गड़बड़ कर दी है। मतलब यह कि पहले नींबू पर मौली बांधकर 5 बार हनुमान जी का पाठ करना, और उसके बाद उस नींबू को बिस्तर के नीचे रखना था, और फिर विभूति सुहासी के शरीर पे लगाना था। इन सारी विधियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अरे आपने तो कहा था कि सुहासी सुरक्षित है, आपने कहा था कि पूजा की विधि पूरी हुई है, फिर ये सब हुआ कैसे? क्योंकि वहां जो नींबू पड़े थे कुछ तो सही थे, लेकिन विभूति ठीक से लगाई नहीं गई थी। संकेत, उस शख्स ने शायद डर के मारे या जल्दबाजी के कारण विभूति माथे पर लगाई नहीं, इसके कारण विधि अधूरी रह गई। लेकिन शेखर, ऐसे कैसे हो सकता है? शेखर, मैंने अपने हाथों से सुहासी को विभूति। हमेशा के लिए भगाने के लिए उस शख्स का सामने आना जरूरी था जिसने सविता से वो वादा किया, और इसलिए हमने आप लोगों से ये झूठ कहा कि सुहासी अब इस दुनिया में नहीं रही। हाय, तुमने ऐसे किया कैसे? घर में इतनी परेशानी है सिर्फ आपकी वजह से।
होता है कि ये सब आपने किया है। शेखर जी ने सब बताया था ना आपको, बहुत पहले से जानती थी आपके ये सब इतना है, अभी आप चुप रहे। आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब के पीछे भी आई है। अरे क्यों किया आपने ऐसा, बताइए मुझे क्यों? बताइए कि क्यों किया आपने आखिर? राखी हूँ, चुप मत रहिए आप। संकेत, संकेत किले, चला, तुझे याद है जब स्वास का रिश्ता था? संकेत, यहाँ ये देखो, ये है सुहासी। कैसी लगी? बड़ी सुंदर है ना? सुंदर है पर। पर क्या? आई मैं शादी नहीं करना चाहता, विदेश में मेरी नौकरी पक्की हो गई है, तनख्वाह भी यहाँ से 10 गुना ज्यादा है और पोस्ट भी अच्छी है, और वैसे भी आई मैं भी शादी नहीं करना चाहता। क्या शादी नहीं करना चाहते? विदेश जाना चाहते हो? संकेत, मैंने कहा ना तुझे, मैं तुझे विदेश जाने नहीं दूंगी। अरे तेरी जन्म कुंडली में लिखा है विदेश यात्रा तेरे लिए अशुभ है। अरे क्या आप हमेशा कुंडली कुंडली लगाए रखती है? और वैसे भी अगर मैं आपके अंधविश्वास को मानने लग गया ना तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। सुलक्षणा, जाने दो ना उसे, अब वो छोटा है क्या? कितने दिन अपने पल्लू में बांधते फिरोगी? खुद के निर्णय खुद ले सकता है वो। अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा ना नहीं जाना है, बस नहीं जाना। और मैं भी आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको अपना फैसला बता रहा हूँ। मेरी नौकरी पक्की हो गई है, टिकट भी बुक हो गई है, मैं जा रहा हूँ। घर में मेरी कोई सुनता नहीं था, इसलिए मैं मिसेस राउत के घर गई थी। उनके घर संकेत का आना जाना रहता था, और मिस्टर राउत को संकेत बहुत मानता है। मुझे लगा कि वो संकेत को समझाएंगे। ओ काकी, मेरी मानिए तो संकेत को जाने दीजिए, उसकी करियर का सवाल है, और वैसे भी अच्छी नौकरी मिली है ना तो करने दीजिए। वापस भी तो आएगा ही ना, सुहासी के माँ बाप के यहाँ जाकर रिश्ता तय कर लीजिए और संकेत के लौटने पर शादी करवा दीजिए। क्या कर रही है सविता? कुछ नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। संकेत किसी और का कैसे हो सकता है? उसे तो मैं प्यार करती है ना, उसे भी तो मैं अच्छी लगती है। नहीं, ना ही मैं इसे विदेश जाने देगी और ना ही उसे किसी और का होने देगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी करना जानती है। तुम मिसेस राउत के यहाँ पे काम करती हो ना? सविता, सविता दामोदर परांजपे। मैंने आपकी मुश्किल सुनी, उसका हल है मेरे पास। कैसे? आप इतनी मुश्किल में हैं कि मुझसे देखा नहीं गया, आखिर आप मेरी आई जो है, मतलब आई जैसी हैं, इसलिए इतनी मुश्किल मुझसे देखी नहीं गई आपकी। आप चाहती हैं ना कि संकेत विदेश नहीं जाए? तो नहीं जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए मेरा। पर तुम करोगे क्या? आम खाने का है या झाड़ गिनने का? मतलब आप चाहती हैं कि संकेत यहाँ से बाहर ना जाए? तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? वो मैं आपको आपके काम करने के बाद बताऊंगी। ऐसे कैसे? क्या पता तुम्हें?
क्या मांगूंगी, ऐसा कुछ नहीं मांगेगी मैं जो आपके बस में ना हो। चलिए वादा कीजिए आप मुझसे कि आप मुझे वो देंगी जो मैं आपसे मांगेगी। सोच लो, संकेत की कुंडली में हवाई यात्रा का खतरा है। सोचो, वो विदेश जाएगा हवाई जहाज में बैठकर, और अगर कुछ हो गया तो? नहीं, मेरे संकेत को कुछ नहीं होगा। नहीं तो चलो, वादा करो मुझसे। जो मैं कहेगी वो तुम मानेगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मगर तू ऐसा क्या करेगी? फिर वही सवाल, कहा ना कि आपका काम हो जाएगा। ये संकेत के खाने में डालकर उसे खिला देना, उसके बाद एक पूजा होगी। रात को 11 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगी, और जहां बुलाएगी मैं वहां तुम्हें आना पड़ेगा। अपने मन में कोई शंका मत रखना। हाँ? जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करती जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो मुझ पे। मच रहा था, सविता की बात मानो या ना मानो, पर मैं सच में नहीं चाहती थी कि संकेत जाए और एक माह हार जाए। आई? हाँ? मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना। मैं अपनी तरक्की के लिए आप सबको छोड़कर विदेश जाना चाहता था, पर बाद में मैंने सोचा तो लगा कि मैं गलत था। आप सही कहती हैं, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं भी तो यही चाहूंगा कि वो मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। और फिर ऐसे तरक्की का क्या फायदा जो मुझे मेरे अपनों से ही दूर कर दे। मैं विदेश नहीं जाऊंगा आई, मैं यहीं रहूंगा आपके पास। धन्यवाद देवा, आपने मुझे एक निकृष्ट काम करने से बचा लिया। और यहीं बहुत मेहनत करके यहीं बहुत तरक्की करूंगा। अब तो खुश? अरे कहने, मैं बहुत खुश हूँ, और देखना भगवान तुझे यही बहुत तरक्की देगा। अब संकेत सुहासी पसंद है मुझे। अरे वाह, कितनी सुंदर है। आप हाँ कह दीजिए। खूब सुंदर सर। मैं खाना फिर से खाना बनाते हैं। हाँ ठीक। हेलो, बोलो सविता। क्या इस वक्त वहां है? रखो तुम अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। पर ये बस तुमने उसे खिलाई क्यों नहीं? भगवान ने बचा लिया मुझे, मैं जा रही हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि जो मैं चाहूंगी वो तुम मुझे दोगी। वो सौदा खत्म करती हूँ मैं।
अरे तूने जो भस्म दिया है ना, वो मैंने अपने बेटे को नहीं खिलाया है, इसलिए तेरा कोई हक नहीं बनता कि मुझसे कुछ मांगे। फिर भी छुटकारा पाती हूँ मैं तुमसे। बोलो कितना पैसा चाहिए तुझे? हाँ कितना पैसा चाहिए? किसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं, मुझे संकेत चाहिए। पसंद करती हूँ मैं संकेत को। सविता दिमाग फिर गए तेरा? पागल हो गई तू? अब समझ में आया तेरी ये पूजा मेरी कामना नहीं, खुद की कामना पूरी करने के लिए चल रही थी। आज पता चल गया भगवान ने मुझे इस विचित्र जंगल से बचा लिया है। तुझे संकेत कभी नहीं मिलेगा, और ध्यान रखना इसके बाद ना संकेत को मिलेगी ना मेरे घर में आएगी। धोखा दिया तूने मुझे, पर ध्यान रखना संकेत को मैं पाकर ही छोड़ूंगी, जीते जी या मरने के बाद। और संकेत सिर्फ मेरा होगा, और किसी का मैं उसे होने नहीं दूंगी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि मैं सविता के जंगल में फंस जाऊंगी। मुझे पता नहीं था सविता के मन में क्या है। मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ सब भूल जाएगी। सुलक्षणा तुम जानती थी, फिर भी तुमने किसी को ये बात बताना ठीक नहीं समझा। मैं डर रही थी, लगा कि आप लोग मुझे क्या समझेंगे। मैं नहीं जानते थे कि मेरे एक ही गलती की वजह से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हम सबको। मैं सबको खोना नहीं चाहती थी, मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहती थी। अब सब समझ में आ रहा है। उस रात सविता को लगा कि अब जीते जी उसे संकेत नहीं मिल सकता, और अगर ये बात खुल गई तो वो जी भी नहीं सकती, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा को वो वादा याद था, और संकेत की शादी होने के बाद सुलक्षणा जी के एक वादा का बहाना बनाकर उसने वासी के शरीर पर कब्जा कर लिया। पर अब सच जानकर क्या फायदा, जब मेरी बीवी और बच्चे की जान पर बनाई है। चिंता मत करो संकेत, वो आत्मा जब तक उस शरीर में कैद है तुम्हारे बच्चे और सुहासी को कुछ नहीं होगा। अब सविता की आत्मा को शरीर से निकालने का एक ही रास्ता है, हमें राजस्थान जाना होगा। वहां जयपुर के पास एक जगह है मेहंदीपुर के बालाजी, वहां प्रेत बाधा से ग्रस्त लोगों का इलाज होता है, प्रेतों से उनको मुक्ति दिलाई जाती है। सविता से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। सुलक्षणा जी वहां पूजा के दौरान आपको सविता को ये बताना होगा कि क्योंकि आपने संकेत को भस्म नहीं खिलाई तो वादा अपने आप खत्म हो गया। जाने अनजाने में मैंने पाप किया, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ बस। शेखर हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सुहासी को किसे लेके जाएंगे वहां? उसे बांध कर। चलो चलो।
ओम नमः हनुमते भय भयनाथ शिवम गुरु फट। हनुमान जी की कृपा से सुहासी पर से सविता का साया हमेशा हमेशा के लिए हट चुका है। सुहासी को कभी परेशान नहीं करेगी। थैंक यू शेखर जी, आपकी वजह से ही हमें मुसीबत से मुक्ति मिली है। आइए हम सभी हनुमान जी के दर्शन कर लें।